साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि पिछला मैंने दो तीन वीडियो ऐसे कुछ डाले थे कि जिसमें मैं चाह रहा था कि आप लोग भी कमेंट करें कि जॉब से रिलेटेड वीडियो डालने चाहिए या फीस से रिलेटेड बहुत सारे या कॉल ज़्यादा फालतू के वगैरह वगैरह पे। तो आप लोगों के कुछ सारे कमेंट आए, तो मैं आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूँ। आप लोगों को जो मेरा ये वीडियो आप देखोगे, आप पे ये चीज़ आप पे ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि पूरी जिम्मेदारी मैं ही ले लूँ। भैया आपकी भी तो जिम्मेदारी है। जो इंडिया का वारसी है, जो भारतीय नागरिक है, उसकी हर इंसान की हर काम में प्रत्येक काम में जिम्मेदारी बनती है। तो इस काम में भी आपकी जिम्मेदारी है। मैंने एक वीडियो डाला था आज से लगभग चार महीने पहले कि इंडिया की ईमानदार एजेंट मेरे से कॉन्टेक्ट करे, और आपने शायद देखा भी होगा, मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, आप देख लेना। उस वीडियो को मेरे हिसाब से 10,000-12,000 के करीब लोगों ने देखा। और मैं आपको चैलेंज बताता हूँ कि उस वीडियो में जो कंडीशन मैंने रखी थी, माइका लाल एक एजेंट ने भी मेरे से कॉन्टेक्ट नहीं किया। बात को मेरी गौर से सुनना, जबकि मेरे मोबाइल में 10 ग्रुप हैं एजेंटों के जो लोग काम करते हैं, और ज्यादातर उसमें 80% काम आता है यूरोप कंट्री का, कौन सा, कनाडा, इटली, जापान, फ्रांस वगैरह वगैरह। और उन लोगों के पास इतने वीजा धड़ाधड़ आते हैं, रोज की मेरे मोबाइल पे 100 वैकेंसी आती है, रोज की 100 वैकेंसी। वो वीडियो मैंने बना के उन ग्रुपों में भी सेंड किया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं किया, क्योंकि उनके पास फर्जीवाड़ा है, काम नहीं है उनके पास। अगर काम होता तो मुझसे कॉन्टेक्ट करते कि सर आपका वीडियो आया था, आपके पास अगर कैंडिडेट हैं तो हमें दीजिए, हम आपका काम करवाएंगे। एक दो एजेंटों की कॉल आए, मैं उनसे कुछ पूछताछ की, तो दोबारा उनका मुड़ के उनके मेरे पास फोन नहीं आया। इसका मतलब क्या समझते हो आप? आपको फीस देते हो, आपको प्रॉब्लम होती है, एजेंट के पास जो ईमानदारी जो रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनके पास जाते हुए भी आपको दिक्कत होती है। सब कुछ आपको घर बैठे दे दो, मैंने नंबर नहीं दिए नीचे, मैंने बोला भाई फालतू के कॉल आते हैं, तो वो भी आपको नहीं जचा। यानी आपको तो सब कुछ घर बैठे दे दो। 2000 लोगों को मैंने वीडियो सेंड किया जो एजेंटी का काम करते हैं, किसी ने भी मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या समझूं मैं कि वो सब फ्रॉड है। आपको भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपके पास ईमानदार एजेंट है मुझसे कॉन्टेक्ट कराओ ना। आपको पता है कि यार अपना इतना बड़ा चैनल है, रोज के इतने सारे कॉल आते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन अच्छे एजेंटों के थ्रू तो मिले। एक दो एजेंटों के मेरे से अच्छे जो एजेंट मेरे से कॉन्टेक्ट कर रखे हैं, जो मेरे से जो एजेंटों ने कॉन्टेक्ट कर रखे हैं, वो मुझे कम से कम उनको मेरी शर्तें तो मंजूर है। गुरमीत सिंह जी का मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है, उधर एक गुजरात के हैं सुरेश चौधरी, उनका मैं वीडियो डालता हूँ, एक उमेश सिंह जी, यानी कुछ बंदे हैं जो मेरी बातों को फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि ये बंदे सही हैं, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होने वाली। अगर 19-20 हो जाती है तो भी मैं भी उनको बोल सकता हूँ भैया ऐसे मत करो, ऐसे करो, मतलब समाधान समस्या का हो सकता है। लेकिन यार कौन एजेंट संपर्क करता है? आपको तो फीस देते हुए भी आपको दिक्कत आती है, एजेंटों के पास जाते हुए भी आपको दिक्कत आती है, सब कुछ फोन पे दे दो, भैया ऐसा नहीं होने वाला, कम से कम मेरे से तो नहीं होगा। अगर आपके पास ऐसे ईमानदार एजेंट हो, मेरे नंबर दो ना, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कराओ, मैं डालूंगा उनका वीडियो बना के, वीडियो का पैसा नहीं लूंगा। ये और बता दूं मैं वीडियो के पैसे नहीं लेता। उनको बोल देना भाई आपके पास वैकेंसी है, अशोक चौधरी से कॉन्टेक्ट करें। ये वीडियो खास तौर से आप लोगों के लिए है, आप जो बैठे बैठे नीचे कमेंट करते रहते हो ना, बैड कमेंट, उन लोगों के लिए भी है जो अच्छा करते हैं, उनके लिए भी है। आपके पास ईमानदार एजेंट है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कराओ, वीडियो का पैसा नहीं लूंगा। समझ गए बात को? लेकिन बंदा ईमानदार होना चाहिए जो आप लोगों के साथ चीटिंग नहीं कर सके। समझ गए बात को? वो आपसे नहीं डरते, ये सच्चाई है, लेकिन कुछ चीजें हैं उनको माइंड निगेटिव करती है कि यार इस बंदे के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्रॉड है। अगर ईमानदारी से काम करते तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट करने की हिम्मत करते। आज तक कितने एजेंटों ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया? 2 से 3। वो उमेश सिंह जी मैन पावर है, वो तो मना ही करते हैं, बोले यार इतने कॉल हमसे अटेंड नहीं हो पाते, तो आप हमारा वीडियो मत डाला करो, हमारे पास ऐसे लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि उनके पास 100-200 एजेंट हैं। एक आदमी 2-2 पासपोर्ट लाता है, 400 पासपोर्ट एक इंटरव्यू में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको कहाँ जरूरत है यार। अब बाकी जो गुरमीत सिंह जी हैं, उन्होंने अपने बोला भाई ठीक है हम कॉल अटेंड करेंगे, आप हमारा वीडियो डालिए, तो मैं डाल देता हूँ। अगर आपके पास कोई एजेंट है तो आपका बताओ ना, मैं डालूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन उन पर लागू होगी, उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो उन लोग आपके लिए है, आप अपने एजेंटों को शेयर करो, अगर ईमानदारी से काम करते हैं मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं उनका वीडियो डालूंगा बिना कोई पैसे लिए, ठीक है भाई। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें, कैसे अगर आपको कोई कमेंट है तो नीचे लिखे, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर रोज नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपको मैं जानकारी देता रहूंगा, ठीक है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।